What's up guys, welcome to my show Math Stuff with Rob. मैं हूँ Rob और लौट आया हूँ एक fun DIY के साथ. Now, ये तो सभी जानते हैं कि मुझे recycling पसंद है. तो जब मैंने कुछ आइसक्रीम स्टिक्स को recycle करके कुछ decorative frames बनाने का सोचा, तो सबको ये crazy idea लगा. Guess what? I love crazy. तो मैंने इसे try किया और इसका result कमाल का आया. साथ ही इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने का तरीका मैं कुछ ही देर में सिखाऊंगा आप लोगों को. तैयार हो जाइए, इट्स टाइम फॉर सम DIY. Why? Cause I love it. इसके लिए आपको चाहिए स्टेंसिल, आइसक्रीम स्टिक्स, पेंट ब्रश, ग्लू गन, वुड पॉलिश. वैसे इस फ्रेम को बनाने की टेक्निक बहुत ही सिंपल है. आपको बस करना है इन आइसक्रीम स्टिक्स को आपस में चिपकाते जाइए एंड गेट योर फ्रेम. पर दरअसल इनकी शेप्स को बेसिक यानी के स्क्वायर और ट्रायंगल मैं इसे बनाना चाहता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स. तो मैं इसके लिए बनाऊंगा हेक्सागोनल फ्रेम्स. मुझे लगता है कि ये देखने में कूल है, इसके फॉर्म को इम्प्रेसिव बनाते हैं और साथ ही साथ ये बहुत पॉपुलर है इंटरनेट पर. तो चलिए शुरुआत करें. तो यहाँ पर ये एक टेम्पलेट है, आप देख सकते हैं कि मैंने ये हेक्सागोनल शेप बना दिया है. अब या तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज से और इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. तो ये जो हेक्सागन है ये मैंने बनाया है इस आइसक्रीम स्टिक के हिसाब से. मैंने इसे मेजर किया और फिर मैंने इसकी शेप को बना दिया. आप भी ऐसे ही कर सकते हैं. इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है. आपको बस ये करना होगा कि आइसक्रीम स्टिक को रखिए लाइक दिस और आप देख सकते हैं मैं इसे एग्जैक्टली अंदर की तरफ रख रहा हूँ इस हेक्सागोनल फ्रेम के. और इस स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए आप ध्यान में रखिए कि आप इन स्टिक्स को ऑल्टरनेटली रखें लाइक दिस, जहाँ पर इनके बीच में गैप होगा, और इसके ऊपर एक दूसरी स्टिक रखेंगे द फर्स्ट थ्री, और इसके साथ कंप्लीट होती है ये हेक्सागन शेप. अब बस आपको इतना करना है कि इसके कॉर्नर को स्टिक करना है. मैं इसके लिए हॉट ग्लू गन यूज कर रहा हूँ. इस पर स्टिक रखेंगे और इसे धीरे से दबा देंगे ताकि ये मजबूती से टिक जाए. एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपको इसे स्टिक करना होगा ऑल्टरनेटली. तो ये वाला चिपकाने के बाद सेकेंड लेयर में मैं ये स्किप कर रहा हूँ और इसे चिपका रहा हूँ. There you go. तो मुझे एक बहुत ही अच्छी हाइट मिल गई है मेरे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के लिए. ये देखिए, आप इसके अंदर आसानी से चीजें रख सकते हैं. इसे आप टेबल पे रख सकते हैं या फिर इसे हैंग भी कर सकते हैं. हालांकि ये ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें कुछ डार्क वुड फिनिश ऐड कर दूं तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा. तो अपने फ्रेम को डार्क वुड फिनिश देने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वुड पॉलिश, और आप इसे किसी भी हार्डवेयर शॉप से ला सकते हैं. ये काफी डायल्यूटेड है क्योंकि इससे लकड़ी पर अच्छा रंग आता है. तो मैं इस पर अप्लाई करूंगा ये जेंटल कोट. यू नो, आप जब भी वुड पॉलिश का इस्तेमाल करें तो आप इसके पहले कोट के बाद इंतज़ार करें ये देखने के लिए कि ये वुड कितना डार्क हो गया, और फिर उसके बाद आप इसका दूसरा कोट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सूखने के बाद ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है. ऑल राइट, ये कंप्लीट हो गया है. जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास है डार्क शेड इस फ्रेम पर. तो इस पेंट को सूखने में करीब 10 से 15 मिनट लग जाते हैं. तो हम इसे छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए और फिर देखेंगे ये कैसा लगता है. तो हमारा हेक्सागन आइसक्रीम स्टिक फ्रेम अब तैयार है. देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप अलग अलग वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया. मैंने सेम शेप को इस्तेमाल किया है जो कि हेक्सागन है. मैंने यहाँ 3 हेक्सागन यूज़ किए हैं. बस फ़र्क यह है कि मैंने इनके मिडिल पार्ट को कनेक्ट नहीं किया है, बस इसके आउटर रिंग को कनेक्ट कर दिया है ताकि इसे एक बहुत ही अलग सी शेप मिल जाए लाइक दिस. तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं अलग अलग शेप्स, आपके खुद के वेरिएशंस, और फिर इसे आप दीवार पर टांग सकते हैं और ये बन जाएंगे खूबसूरत से शेल्फ्स.